पहले तो आप लोग यहाँ की यहाँ के जो रूल्स है ना वो फॉलो करो, पहले वो रूल्स फॉलो करो। यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर क्या बोल रहा है, आज 4 मार्च सेफ्टी दिवस के शुभ अवसर पर मैं एक देशभक्ति गाने पे डांस करने जा रहा हूँ, जो भी इसमें गलतियाँ त्रुटियाँ होंगी उसे क्षमा कीजिएगा। वो काम जो भी हो, कंस्ट्रक्शन का हो, फिशरी का हो, जो भी हो, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी सेव करने का हम काम करते हैं। अभी देखो सेफ्टी वीक चल रहा है, खुद वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि आज है 4th मार्च, हालांकि ये वीडियो एक दिन बाद अपलोड होने वाली है। तो मैं आप सभी को जानकारी के मुताबिक बता दूं कि 4th मार्च एक ऐसे डे है जिसे कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते होंगे उन्हें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी वाकई में नॉलेज होगी इस बात को लेकर। नेशनल सेफ्टी डे आखिर क्यों मनाया जाता है और कंस्ट्रक्शन लाइन पर ही क्यों लागू होता है या फिर दूसरे लाइनों में भी लागू होता है, क्या है इसकी रियलिटी, तो मैं आप सभी को बता दूं, ये चीज़ें नेशनल सेफ्टी डे वो हर एक व्यक्ति पे लागू होता है, जो इस लाइन से जुड़े हैं या फिर नहीं जुड़े हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ें लागू होता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर नेशनल सेफ्टी डे नहीं मनाया जाएगा तो सेफ्टी में आखिर कौन रहना चाहेगा। तो सेफ्टी में रहने के लिए, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए 4th मार्च के दिन इसे लागू किया गया था साल 19वीं सदी में, और 19वीं सदी में कोई एक डेट फिक्स है, उस वक्त इस चीज़ को लागू किया गया था और उस वक्त से लागू होकर अभी तक ये चलता चला आ रहा है। और ये साल 2024 है और हर साल आने वाले जितने भी साल रहेंगे उसमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। साल 2023 में, 22 में, 21 में, मतलब जितने भी साल आ रहे हैं हर साल, ये साल 2024 में भी मनाया गया इस तरीके से। तो आप बताओ नेशनल सेफ्टी डे मनाया या फिर नहीं मनाया। हालांकि हमारी वीडियो के मुताबिक आपको सही तरीके से वो तमाम जानकारी सुनने को और देखने को मिलेगी जो हमसे बढ़कर हमसे सीनियर आप सभी को कुछ बातें समझाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। अभी हमारे बीच हमारे सीनियर है, पीएमसी के सीनियर हैं, वो हमारे सामने स्टेज पर आएंगे और आपको संबोधित करेंगे। आपको सुरक्षा के विषय में किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे जीवन बचाव करना है, कैसे अपना परिवार चलाना है, उसके विषय में हमारे सीनियर स्टाफ हैं, वो आएंगे। साल में एक बार आता है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, इसका इतिहास है, मैं आपको 5 मिनट लेकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे सीनियर स्टाफ जो हैं सेफ्टी के हेड श्रीमान हाफिज सर, वो आएंगे आपको सेफ्टी से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में आपको संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। देखो आज हमें इकट्ठा होने का मतलब ये है, आप किसी लोग को पता रहेगा किसी लोग को नहीं पता रहेगा, मैं बताना चाहूँगा कि हम आज नेशनल सेफ्टी डे का सेलिब्रेशन कर, किसी का त्याग और बलिदान का दिवस नहीं है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को अलग बलिदान का, गणराज्योत्सव का मनाते, नेशनल सेफ्टी डे का कैसा रहता है, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए 4 मार्च को 1972 से हम एक रेजोल्यूशन पास हुए, एक बार सेलिब्रेशन के तौर पर मना रहे जागरूकता फैलाने के लिए, सेफ्टी के लिए। पहले भी क्या था सेफ्टी का, जब ब्रिटिश यहाँ से चले गए, रेगुलेशन थे वो ब्रिटिश के बने हुए थे, ऐसा कुछ सख्त कानून नहीं था, या इंडस्ट्रियल एरिया में हो या कॉन्ट्रेक्शन साइट पे हो, ऐसा कुछ ये नहीं था। देखो कि आप भी कई लोग यहाँ पे 20 साल से काम कर रहे हो इस फील्ड में, 20 साल का जो सेफ्टी था अभी है क्या, कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं। हाँ, सभी को पीपीई वगैरह ऐसा है, ये क्यों हो रहा है, अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, आप में जागरूकता फैल रही है और हम भी कर रहे हैं, हम सेफ्टी के प्रति क्या करना चाहिए उसके बारे में आज उसका ये करने की जरूरत फैलाने के लिए एक प्रोग्राम रखे। कैसा होगा जागरूकता फैलाने के लिए, एक दिन हम प्रोग्राम करेंगे, स्नैक्स वगैरह बांटेंगे, डेकोरेशन कर देंगे, तो उसे ये जागरूकता फैलेगी क्या? नहीं फैलेगी। उसके लिए हम क्या करना चाहिए, जब भी हम काम या किसी भी तरीके का करते सुरक्षा के साथ में काम करेंगे तभी वो सक्सेस हो सकता है इस प्रोग्राम का। ऐसा नहीं कि अब हम बोल देंगे अभी के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो एक हर चीज़ हर काम के अंदर अपने को
अपनी सुरक्षा के लिए क्या महत्व होता है उसे पालन करना ही अपना मकसद है, आज का प्रोग्राम का मोटिवेट करना ही उसका मकसद। अभी मैं तुकाराम सर से ये करूंगा रिक्वेस्ट की वो आके अपने चार बात सेफ्टी के रिलेटेड बताए। जोरदार से क्लैप कर दो, एक बार तालियां बजाएंगे जोर से। सबको मेरा सादर प्रणाम। आज यहाँ स्टेज पे हमारे पीएमसी के जो डायरेक्टर हैं जवाहरलाल सर, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हमारी कंपनी की तरफ से भटनागर सर, इरशाद साहब, हमारे सेफ्टी ऑफिसर, हमारे अकाउंटेंट सर और पूरे टीपीसी के स्टाफ और सब तुम भाई और बहनों, उसके साथ में हमारे एनजीओ टीम यहाँ आई हुई है उनका सबके हमारे कंपनी की तरफ से मैं सबका स्वागत करता हूँ। और मैं आपको दो शब्द बताता हूँ, सेफ्टी आज यहाँ हम नेशनल सेफ्टी डे मना रहे हैं। सेफ्टी डे मनाने का मतलब ये नहीं है कि बस आज एक दिन एक कार्यक्रम किया, फंक्शन किया और कल के दिन में भूल गए। ये सेफ्टी दिन इसलिए बनाते हैं कि आपके सबके मन में इस सेफ्टी दिन के वजह से आपके मन में एक आपको जागरूकता बने और सेफ्टी आप फॉलो करें। हमारे सेफ्टी ऑफिसर डेली साइट पे आते हैं, साइट पे आके आने से पहले आपको सबको काम चालू करने से पहले कैसे सेफ्टी का पालन करना है, सेफ्टी के बारे में क्या रूल्स है, कैसा आप हाइट में काम करेंगे, कैसा करेंगे, उसका पूरा आपकी जानकारी देते हैं। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि आप भाई जान जब काम करते हैं तब उसका बहुत टाइम में आप नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये नेग्लेक्ट करना नहीं चाहिए क्योंकि सेफ्टी जो बोली जाती है आपको, आपको जो स्ट्रिक्टनेस दिया जाता है वो आपके ही लिए है क्योंकि आप सेफ्टी यहाँ काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि अपना परिवार का अपना घर चलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ सब काम करने के लिए। तो काम के पहले हमको सेफ्टी देखना चाहिए क्योंकि हम बोला जाता है कि सर सलामत तो पगड़ी 50 बराबर है ना, तो अगर हमारा सर सलामत रहेगा तो हम 10 जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप सबको सेफ्टी के बारे में बहुत जागरूकता रहना चाहिए। जब भी आप काम करेंगे तब आपको अपना सेफ्टी पहले देखना चाहिए, उसके बाद भी काम देखना चाहिए। मैं यह आपको अनुरोध करना चाहूँगा। उसके साथ में ये जो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हमारे कॉन्ट्रेक्टर ने और हमारे सेफ्टी टीम ने एक आयोजन किया, बहुत बहुत मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ। कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है सेफ्टी के बारे में, हम तो हमारे सेफ्टी के जो मैनेजर है बस उनको लीडर बना दिया, हमें क्या करना है उनसे पूछते हैं, आप इस पे से ग्रीन झंडी दे दो तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती क्या है, अपनी जान कीमती है कि नहीं है? जान है तो सब कुछ है, बिना जान के क्या करोगे? जान है तो जान है सर। फिर और जान काम पे आते हो तो अपनी जान संभालनी है। आपकी आपकी जान के पीछे कितनी सारी जानें लगी है ये आपको पता है? एक तो जो कंपनी में काम करते हो वो है, आपके परिवार जन है। मेरे साथ सब जोर से बोलो जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। जय सुरक्षा। जय सुरक्षा। सबने तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, मैं इससे स्पेशल और क्या बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कोई बंगाल से आया है ना, कोई पटना से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, सबका एक ही मकसद है, वो क्या है कि अपने परिवार वालों के जो सपने हैं उनको पूरा करना, राइट? यही बात है ना। तो उनके सपने कैसे पूरे होंगे जब आप यहाँ पे सुरक्षित रहोगे और इस काम को पूरा करके जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी काम करो पहले अपनी सुरक्षा देखो। अगर आप सर्टिफिकेट देंगे और आपका जो इंजीनियर साहब कहते हैं मैंने चढ़ गया ऊपर माले थे तो आपको धन चढ़ रहा है, मना कर देना है नहीं चढ़ूंगा, पहले सेफ्टी बैल्ट लो, बिना सेफ्टी हेलमेट के नहीं चढ़ना है, कुछ भी हो जाए नहीं है आपका हेलमेट तो आप नहीं चढ़ोगे वहाँ पर। तो अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखना है, आप कोई और दूसरा नहीं रखेगा, ठीक है ना? तो आज का दिन क्या है अपना? हाँ आवाज नहीं आ रहा, क्या है? सेफ्टी डे। सेफ्टी डे का नेशनल सेफ्टी डे है। हाँ आज का सेफ्टी डे 53rd नेशनल सेफ्टी डे अपना, ठीक है ना? कितना है? 53rd नेशनल सेफ्टी डे, मतलब पिछला साल का मतलब 52 मतलब पिछले साल का। ओके बात मत करो, ठीक है ना? मुझे खाली 10 मिनट दो, 10 मिनट मतलब 53rd इस साल का, 52 का
दोनों का तुमको मतलब समझाता मैं क्या था, ठीक है ना। जो 52 मतलब 45 अगर तो सेफ्टी डे था, उसका था अपना क्या, आवर एम जीरो हार्म, उसका थीम्स था पिछले साल का। इसका का क्या है, फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सलेंस। इस साल का मतलब 2024 का सेफ्टी डे का, नेशनल सेफ्टी डे का मतलब थीम्स मतलब पूरा साल मतलब वो किस तरह से रहना है, किस तरह से करना है अवेयरनेस। ईएसजी मतलब ई मतलब एनवायरमेंट, ई मतलब एनवायरमेंटल, एस मतलब सोशल, जी मतलब गवर्नेंस, तीनों आ गए इसके अंदर में, समझ रहे। तो इस साल का ईएसजी फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सलेंस, तो इस साल का 53rd का थीम्स ये है। एक जो फर्स्ट आएगा उसको वो है, ठीक है, रेडी, सब लोग फंसा लीजिए, किसी का गिरना नहीं चाहिए, अगर गिर गया वो आउट हो जाएगा, आपको सीधे चलना है, कोई आंख नहीं मुनना है, मैं यहां खड़ा हूं, नहीं फटेगा, 1 2 3 गो। तो आप हमारे संस्था से जुड़े हैं, ये इसे ये जान के हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारी संस्था जो है लाइफलाइन फाउंडेशन, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जिंदगी को कैसे हम सुरक्षित रखें, जिंदगी तो एक बार आती है सबको, ठीक है, तो उसको भी हमें संभाल के रखना पड़ता है। जोरदार तालियां स्वागत करेंगे आप सभी लोग। सर माय नेम है सुशील कुमार, आई एम रीडिंग क्लास 12, मैं यूपी 64 सोनभद्र का रहने वाला हूँ। आज 4 मार्च सेफ्टी दिवस के शुभ अवसर पर मैं एक देशभक्ति गाने पे डांस करने जा रहा हूँ, जो भी इसमें गलतियां त्रुटियां होंगी उसे क्षमा कीजिएगा। हेलो, मेरा नाम संकेत है, मैं यहाँ पे पंजिम पुलिस स्टेशन पे सब इंस्पेक्टर हूँ। ज्यादातर लोगों ने देखा रहेगा मुझे, पिछली बार आया था मैं यहाँ पे, कोई था वहाँ पे वो टाइम पे यहाँ पे जब एक हादसा हुआ था यहाँ पे, शायद सब नहीं है यहाँ पे। देखो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पब्लिक में बात करने की कोई आदत नहीं है, तो थोड़ा वो डर रहता है मन में, अरे क्या बात करूँ, कहाँ गलत ना हो जाऊँ, ये हो गया। दूसरी बात, अभी सुबह 9 बजे से अभी तक मतलब एक 10 मिनट पहले नहीं तो अभी तक मैं खड़ा ही था, जो चलने का या बाहर निकलने का रास्ता था वो इस्तेमाल ना करते उसने दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया, सो उसके साथ वो हादसा हो गया। पहले तो आप लोग यहाँ के जो रूल्स है ना वो फॉलो करो, पहले वो रूल्स फॉलो करो, यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर क्या बोल रहा है, क्या है क्या नहीं है वो फॉलो करो। सब कुछ लाइफ में ना सब कुछ सरल चलता है जब तक कोई उंगली ना करे उसमें, ठीक है। अगर तुम रूल से चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, रूल से चले तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे
कभी कोई मन में एक लालच आ जाता है, अरे क्या है ये करने से कुछ ये नहीं होता, वो करने से कुछ नहीं होता, अरे मैं झेल लूंगा, मैं देख लूंगा, थोड़े हमें वो ओवर कॉन्फिडेंस, अरे देख लूंगा बाद में जो हो जाएगा, वो करने में जाते हैं और फंस जाता है आदमी। फिलहाल तो एक ये है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके सेफ्टी के लिए बोलता हूं कि आप लोग जो है जब भी काम कर रहे हो तो अपनी सेफ्टी गियर देखो, ये कितना बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है, यहां से कुछ हादसा हो जाए तो नुकसान पहले आप लोगों को है, बाद में इनको है, पहले आप लोगों के है बाद में इनको है। तो पहला सुरक्षा अपना खुद ने देखना है कि खुद कैसे रहे, क्या रहे, सेफ्टी हेलमेट, ये जो रिफ्लेक्टर जैकेट जो पहना है, और कुछ भी जो है, अगर कोई बाहर से काम कर रहा है तो बेल्ट है, ये है, सब कुछ पहन के अपने वो जिम्मेदारी अपने आप पर रहनी चाहिए कि मैं ये सब पहन के काम कर रहा हूँ।